नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। बॉलीवुड में मीटू कैंपेन तेजी पकड़ रहा है। अब तक कई स्टार्स अपनी मीटू स्टोरी शेयर कर चुके हैं, जबकि कई स्टार्स ने मीटू पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। वहीं इस पर महान गायिका लता मंगेशकर का बयान सामने आया है। दरअसल लता मंगेशकर की बहन मीना की जीवनी मोती तिची सावली में लता मंगेशकर के बारे में कई खुलासे किए गए हैं। मीना की इस किताब में इस बात का जिक्र है कि एक बार लता दीदी ने गीतकार नक्शाब जाचवी को टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी। इसके सवाल पर लता दीदी ने हंसते हुए कहा कि एकदम ऐसा नहीं था, वो बेचारे अब नहीं रहे, वो अपने और मेरे बारे में अफवाह फैला रहे थे जिनमें कोई सच्चाई नहीं थी और मैंने इसका विरोध किया था। लता दीदी कहती हैं कि युवा अवस्था में मैं बेहद गुस्सैल थी, मुझसे उलझने वाला बचकर नहीं जा सकता था। मीटू अभियान के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे वास्तव में लगता है कि एक कामकाजी महिला को गरिमा, सम्मान और स्पेस देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। अगर कोई इसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है तो उसे सीख जरूर मिलनी चाहिए। अपने ऊपर लिखी किताब के बारे में उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर लिखी किसी भी किताब से खुश नहीं हूं। इनके लेखकों ने मुझसे पूछा तक नहीं कि क्या वो मुझ पर किताब लिख सकते हैं। उन्होंने तथ्यों को जांचे बिना, उनकी पुष्टि किए बिना अपने मन से लिखा है। इनमें कुछ किताबें बेहद अपमानजनक हैं, यहाँ तक कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में भी सोच रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड में एक तरफ मीटू कैंपेन चला है और इसी कैंपेन के बीच लता मंगेशकर ने बताया है कि बेतुकी बातें करने वाले गीतकार को उन्होंने टुकड़ों में काटने की धमकी दी थी। ये शायद लता दीदी है जिन्होंने साफ तौर पर गीतकार को धमकी देती थी। यही वजह है कि बॉलीवुड उनका आज भी सम्मान करता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।